नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपके पास 3D टेक्चर लेके हाजिर हो गया हूँ। देखो दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक टेक्चर है। अगर आप इसे बनाना एक बार सीख गए तो आप ऐसा महसूस करोगे कि आपने एक अजूबा बना दिया है। ये एक ऐसी टेक्चर है जो गाड़ी के इंजन में जो अपना ऑयल ना लीकस होता पार्ट्स होते हैं ना, वैसे ही पार्ट्स एक के ऊपर रखा होगा ऐसा लगेगा। बहुत ही ख़तरनाक और 3D टेक्चर, शानदार टेक्चर होने वाली है दोस्तों। ये टेक्चर बनाने के लिए आपको 2 इंची की मास्किंग टेप ले लेनी है और दीवार में इस तरह से आपको क्रॉस में लगा देना है। 2 इंची की मास्किंग टेप है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे मैं लगाया हूँ इसी प्रकार आपको भी मास्किंग टेप लगा के आगे बढ़ जाना है। देखिए, ये मैंने दूसरी मास्किंग टेप लगाई है। एक पहले ऊपर से क्रॉस में लगाई, एक नीचे में ऐसे क्रॉस में दूसरी मास्किंग टेप लगाई है, और ये तीसरे नंबर की मास्किंग टेप जो मैंने इस तरह से क्रॉस में लगा रहा हूँ, आपको भी इसी प्रकार लगाना है। लगाने के बाद हाथ से थोड़ा ऐसा दबा देने का। ये चौथी मास्किंग टेप जो इस तरह से मैंने लगाई है, देखिए इस तरह से हाथ से दबा के आपको इस तरह से प्रेस कर देना है, बिल्कुल इसी तरह। और ये पांचवी मास्किंग टेप जो मैंने इस ऊपर से नीचे की ओर लगाई है। देखो दोस्तों, बहुत सारी टेक्सचर आपने देखी होगी मास्किंग के ऊपर, लेकिन ये एक अनोखी ऐसी टेक्सचर होगी, शायद ये इंडिया में पहली ऐसी टेक्सचर होगी जो मास्किंग टेप के ऊपर 3D लुक में आएगी। जो 2 इंची की मास्किंग टेप में 3D लुक में, ये इंडिया की पहली अनोखी टेक्सचर होगी। ये है मार्कर पेन जो हमने ले ली है मास्किंग टेप के ऊपर। इस तरह से साफ चलता वैसे लहराते हुए आपको लगा देना है। ये मास्किंग टेप नहीं लगाए तो भी चलेगा, लेकिन ये आगे आपको पता चल जाएगा कि हमने मास्किंग टेप के ऊपर ये मार्कर पेन क्यों लगा रहे हैं। ये मार्कर पेन लगाने के लिए दोस्तों आपको भी इसी प्रकार टैप के ऊपर मार्कर पेन से इस तरह से निशान लगा देना है। जैसे साफ चल रहा है वैसे ही आपको निशान लगाते हुए चलना है। फिर जहाँ पे कोना या 2 टैप का जो जॉइंट आया ना, वहाँ पे आपको इस तरह से मास्किंग टैप को फाड़ के इस तरह से आपको लगा देना है। वो चौरस वाला जो हिस्सा है उसको भर देना है। इसी प्रकार आप मास्किंग टैप से ये वाला कोने वाला हिस्सा भर देना है। जैसे मैं भर रहा हूँ इसी प्रकार आपको भी भरना है। इसी से ही एक शानदार लुक आएगा। आपने आज तक मास्किंग टेप के ऊपर बहुत सारी टेक्सचर देखी होगी, लेकिन ये एक अनोखी टेक्सचर होगी जो आप एक बार इसको बनाना सीख गए ना तो आप बहुत ही आपको अपने आप को गर्वंगी महसूस करोगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अजीब तरह की टेक्सचर होने वाली है। ये टेक्सचर ऐसी लगेगी कि लोखंड की बहुत सारी पट्टियाँ डाल के रख दी है, एक के ऊपर एक रख दी है। इस प्रकार की टेक्सचर होने वाली है आज दोस्तों। देखिए दोस्तों, सारे कोने को इस तरह से मास्किंग टेप से टुकड़े से आपको भर देना है। जैसे मैं भर रहा हूँ इसी प्रकार आपको भी सारे टुकड़े को इस तरह से लगाना है। जैसे उसको चौरस बॉक्स की तरह आपको कोने वाला हिस्सा को बना देना है। जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करते हुए आगे बढ़ना है। देखो दोस्तों, जैसे मैं अभी किस तरह से कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह से करना दोस्तों। और साथ हाथों से प्रेस भी कर देना। जैसे मैं कर रहा हूँ उसमें हवा निकल जाए और अच्छी तरह से टैप लग जाए, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। देखिए इसी प्रकार जैसे मैं अभी लगा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह आपको भी लगाते हुए आगे बढ़ जाना है दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया और अनोखी टेक्सचर होने वाली है। एक बार इसे बना लोगे, कोई भी अगर बना के किसी के घर पे ये टेक्सचर बनाओगे, वो एक बार देखेगा तो देखते ही रह जाएगा। अब वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है दोस्तों, लेकिन पूरी देख लेना, स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो ये डिज़ाइन आप सीख नहीं पाओगे। और देखिए इस तरह से आपको कोने को राउंड शेप में काटना है। जैसे मैं काट रहा हूँ, देखो हल्का सा राउंड शेप में आपको ये कोने को, सारे कोने को काटना है। ये है कटर, मैंने ले लिया है एक चाकू, इससे मैंने पूरे इसे राउंड तौर से कोने को राउंड की तरह काटा है। आपको भी इस तरह से राउंड के जैसे काटना है। देखिए गोल राउंड में आपको इस तरह से काटना है, जैसे मैं काट रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह। देखिए इधर भी मैंने कोना में काट दिया।
ये कोना भी का सारे कोने जितने हैं ना, अभी एक्स्ट्रा टैप लगाइए उसको, आप इस तरह से कोने को काटते हुए आगे बढ़ जाना है। देखिए इधर भी मैं काट रहा हूँ, आप सारे कोने को इस प्रकार काट लीजिए। आपको आगे जाके पता चलेगा कि हमने इसके टैप के ऊपर मार्किंग क्यों लगाई है, ब्लैक कलर से मार्किंग क्यों लगाई है, आगे आपको पता चलेगा। देखिए दोस्तों, ये पहचान करने के लिए इसके ऊपर और भी मास्किंग टेप आएगी और अनेक अनोखा टेक्चर आपके सामने बन के नज़र आएगा। देखिए दोस्तों, इसको बीच में इस जगह रख के हमने इस तरह से काट दिया है कोने को। आपको भी, आप चाहे तो अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से इस तरह से मास्किंग टेप लगाई है, चाहो तो आप ज़्यादा भी टेप लगा सकते हैं। मैंने पहले 5 मास्किंग टेप लगाई है। देखिए इस तरह सारे कोने काटने के बाद आपको फिर से मास्किंग टेप ले लेनी है। 2 इंची की मास्किंग टेप मैंने फिर से ले ली है। ये पहली टेप मैंने इस तरह से ऊपर लगा दी है। देखिए 2 इंची की मास्किंग टेप ये पहली मैंने इस तरह से क्रॉस में लगा दी है। फिर मैंने दूसरी मास्किंग टेप की पट्टी क्रॉस में मैंने इस तरह से लगा दी है, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। आप चाहो तो इसका आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तीसरी मास्किंग टेप इस तरह से मैंने लगा दी है। आप अपने हिसाब से आगे पीछे किसी भी तरह से आप लगा सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से लगाई है। देखिए 4थी मास्किंग टेप ऊपर से नीचे की ओर मैंने लगाई है, देखा। और ये 5वीं और अंतिम टैप मैंने इस तरह से आप लगा के आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने ग्रीन मार्कर पेन ली है। पहले मैंने ब्लैक से मार्किंग लगाई थी, अभी जितनी भी नई मैंने ये मास्किंग टैप लगाई है ना, इसके ऊपर मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया और इसको सीधे में मार्क कर दिया है ताकि अच्छे से पहचान में आ जाए। पुराने वाली मार्किंग टेप हम उसे कहेंगे जो पहले लगाए, उसको पुरानी वाली बोलेंगे, और अभी लगाई इसके हम नई वाली मार्किंग टेप बोलेंगे। देखिए इस तरह से आपको भी निशान कर देना है दोस्तों। अभी है ना, ये पहले हम लोग जो बनाया था ना, पहले 5 पट्टी लगाई थी उसके ऊपर ये राउंड वाला टेप लगा काटा था। अभी इसके साथ ये देखिए, ये पुराने पे आ गया तो पुराने पे नहीं लगाना है, नए पे ही ये लगाना है। ये ध्यान रखने का, ये नए पे ही लगाना है। पुराने का मतलब है जो हमने जो पहले टैप लगाई थी ना, उसको हम पुराना कहेंगे, और अभी 5 पट्टी वापस लगाई है ना, उसे हम नई पट्टी कहेंगे। पुराना और नए का कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है। नया हो गया, ये पुराना है, ये नए पे, नया के साथ एक और ही नया है। सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें। ये देख, नया है, ये पुराना है, तो यहाँ पे ये पट्टी नहीं आएगा। ये पुराना हो गया, ये अभी नया लगा उधर ही आएगा। सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब। ये नया पे आएगा, नया पुराना जानने के लिए ये देख ग्रीन कलर मारा, ये नया पे ग्रीन कलर मारा, यहाँ पे ब्लैक कलर मारा। ब्लैक को ऐसे ऐसे लाइन लगाया और ग्रीन को सीधा लगाया, तो हमको मालूम पड़े ये नया है, ये 10 पुराना है, ये 10 नया है। जो बाद में हमने 5 पट्टी लगाई है ना, उस पर हमने ग्रीन कलर से मार्किंग किया था, और पहले लगाई उसमें ब्लैक कलर से मार्किंग किया, वो याद रखना दोस्तों। यहाँ इसे चौकड़ी आई ना, ये चौकट आया, ये ब्लैक की जगह पे ये टैप मार के काटा है, तो यहाँ पे हम नहीं लगा सकते। ये ब्लैक, ये ग्रीन, पर खैतनगर आप ये ग्रीन, ये देखिए ये ग्रीन आया, ये ब्लैक आया, यहाँ पे नहीं लगेगा। ये देखिए ये ग्रीन, ये ग्रीन का ही है पूरा, इधर लगेगा। फिर ये देखिए ये पूरा ग्रीन आया, यहाँ पे टैप लगेगा, यहाँ पे लगेगा। देख ये 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 ब्लैक आया, ये ग्रीन आया, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, बस ये ध्यान रखने का बस। दोस्तों आपको है ना, जहाँ पे ग्रीन कलर की अभी मार्किंग लगाई है ना, उसके उसका कोने पे ही आपको इस तरह से टैप लगाना है, बस उतना ध्यान रखना है। जहाँ पे ब्लैक और ग्रीन का दोनों का साथ में हो जाता, वहाँ पे टैप नहीं आएगी। जहाँ पे ग्रीन का लाइन है उसके ऊपर ही टैप आएगी। देखिए दोस्तों, फिर से आपको इस तरह से काट देना है। मैंने इस कैंची का निशान दिखाया हूँ, इसका मतलब कि इसको भी कोना काटना है। पहले हमने जैसे काटा था ना, वैसे इसको भी इस बार सबका कोना आपको ये चाकू से
काट देना है जैसे मैं काट रहा हूँ। स्मार्ट टेक्चर हमारे चैनल का नाम है। इस ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये है, हमने बेस कोट ले लिया है, ये अपना प्लास्टिक पेन है 8128 मैंने ये मैंने इस तरह से मैंने सेकंड बेस कोट लगा रहा हूँ। आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। ये एशियन पेंट का बेस कोट है 8128 जिसका नंबर मैंने स्क्रीन में भी दे दिया हूँ। ये मैंने एक रोलर से लगाया है और इसको लगाने से पहले टैप से कोने कोने को थोड़ा ये करके लगाना है, जब बचा बचा के लगाना है इस तरह 8128 मैंने इस तरह से सेकंड बेस कोट मैंने लगाया है। पहला बेस कोट मैंने जे वाइट ही रखा था, आप चाहो तो कोई भी और कलर भी ले सकते हैं। देखिए मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखो दोस्तों अंत तक देखना ये वीडियो। अगर आपने टेक्सचर सीख ली ना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये टेक्सचर आपने सीख ली तो आप एक चमत्कार ही कर देंगे। इस जिस भी घर पर आप ये टेक्सचर बनाओगे, जो भी कोई आएगा तो ये टेक्सचर देखते ही रह जाएगा। ऐसा कर सोचेगा ये एक के ऊपर एक कैसे टेक्सचर आपने बनाया होगा। ये है ब्लैक स्प्रे। पहले हमने 5 पट्टी मारी थी, 5 पट्टी इसके ऊपर ब्लैक लाइन लगा दिया और बाद में हमने दूसरी बार ये ग्रीन 1 पट्टी मारी 5, उसके ऊपर ग्रीन लाइन लगाया। ग्रीन दिखाई, ये देखिए ये ग्रीन लाइन, ये है ये ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन है। तो हम लोग है ना अभी ग्रीन के ऊपर हम लोग ब्लैक कलर मारेंगे। तो यहाँ से मान लेंगे ये ग्रीन पट्टी है, ये ग्रीन पट्टी है, ये ब्लैक आई, ये ब्लैक के ऊपर चढ़ के आगे बढ़ जाएगी, ये इसके ऊपर भी चढ़ देगी। लेकिन ये ग्रीन ऐसे में भी आया तो यहाँ से ये टर्न ले लेगा, इसी प्रकार होगा। देखिए यहाँ से फिर ये ग्रीन वापस आ गया, यहाँ से ब्लैक टर्न मारेगा, फिर यहाँ से भी ये देखिए ये ब्लैक सीधी ब्लैक है, ये ग्रीन है, तो ये ग्रीन ब्लैक आएगा तो इसके ऊपर चढ़ के आगे बढ़ जाएगा, फिर यहाँ से वापस ग्रीन आ गया, ये टर्न होता नोट मार देगी, बस इसी प्रकार ये लगेगा। लास्ट में आपने जो मास्किंग टेप लगाई थी ना 5, तो उसके नीचे से ग्रीन जो कलर मार्किंग मारा था ना, उसके नीचे से ही आपको इस तरह से ब्लैक कलर स्प्रे कर देना है। और जहाँ पे ब्लैक की पट्टी आएगी ना, उसके ऊपर से आपको आगे बढ़ जाना है। और जहाँ पे ग्रीन की चौकड़ी आएगी वहाँ आपको यू टर्न लेना है, यानी मोड़ जाना है। देखिए इस प्रकार जैसे मैं कर रहा हूँ, ये ग्रीन से ये ब्लैक वाला है, इसके ऊपर पूरा चढ़ के आगे बढ़ जाएगा, ये ग्रीन से ये टर्न आ जाएगा। तो ग्रीन के नीचे से आपको इस तरह से स्प्रे मारते हुए चलना है। अगर बीच में आपको ब्लैक की लाइन आ गई ना मास्किंग टेप वाली, तो उसको ऊपर से मारते हुए आगे बढ़ जाना है। और जहाँ पे आपको ग्रीन वाली पट्टी वापस आ गई है वहाँ से आपको इसे मोड़ देना है और ऊपर की ओर ही लगाना है। ये अभी आपको लग रहा होगा ये कैसी टेक्चर बन रही है, लेकिन दोस्तों अगर एक बार ये टेक्चर फाइनल हो जाएगी ना, आपकी आँखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। ये एक इंडिया की ऐसी पहली टेक्चर होने वाली है। ये टेक्चर मेरे को सोचते हुए मेरे को एक हफ्ते से ऊपर हो गया और मेरे सर में भी दर्द होने लगा, लेकिन एक बार मैंने बना के देखा ना, तो बहुत ही शानदार ये टेक्चर निकल के सामने आई। मैंने ये टेक्चर पार्टी के वहाँ भी बनाई है, लेकिन वहाँ मैं शूट नहीं कर पाया था, इसीलिए मैंने एक बार फिर से मैंने आपके लिए ये शूट किया है। देखो दोस्तों इस तरह से बनाने के बाद आपको जो पहले जो लास्ट में जो मास्किंग टेप लगाई थी 5 पट्टी जिस पे आपने ग्रीन कलर से मार्क कर दिया था, उसी को ही निकालना है। आपको जो पहले जो मार्कर पेन ब्लैक से मार्किंग की थी ना, उसको रहने देना है अभी। और वो भी लास्ट में जो 5 टेप जो लगाई थी ना, उसको आप निकाल देना है।
जैसे मैं निकाल रहा हूँ इसी प्रकार आपको इसको निकाल देना है। जैसे मैं पहले देखिए इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता निकालना है। आपको इस बात का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना कि पहले आपने जो ब्लैक वाली मार्किंग जो मारी थी ना ब्लैक मास्किंग मार्कर पेन से, उसको नहीं निकालना है। अभी जो ग्रीन मारा था मार्किंग, उसी को ही पांच पट्टी को निकालना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं निकाल रहा हूँ, या आप भी इस तरह से निकाल देना दोस्तों। देखिए इस प्रकार जैसे निकाल रहा हूँ, इस प्रकार निकालना है। व्हाइट भी आया ना, अभी ये ब्लैक को मारेंगे ना तो ब्लैक इसके ऊपर चढ़ के आगे जाएगा। अभी इसके ऊपर इसको चढ़ के आगे बढ़ जाएगा, इसके ऊपर चढ़ के ये वापस आया तो फिर यहाँ से मुड़ जाएगा, इस तरीके से आएगा। देखिए ये यहाँ से इधर जाएगा, इसके ऊपर चढ़ के सीधा अभी ये ब्लैक का वापस आया, उड़ाने वाली है ना, इसके ऊपर उल्टा मार जाएगा, बस इसी के ऊपर उल्टा। दोस्तों यहाँ थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, जैसे हमने ये पहले अभी स्प्रे जो कर रहे हैं ब्लैक वाला, वो ब्लैक के नीचे से आपको करना है। अगर बीच में आपका जो पहले का जो पट्टी निकाला वो आ जाए ना, तो ठीक है, उसके ऊपर से मारते हुए आगे बढ़ जाना है। और जहाँ पे आपकी ब्लैक वाली जो चौकड़ी आएगी, वहाँ से आपको यू टर्न लेना है, बस यहाँ से रोक के मोड़ देना है। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ वीडियो में, देखिए सीधा उसके ऊपर से बढ़ के हुए नीचे तक आ गया, और यहाँ पर चौकड़ी आई तो वहाँ हमने मोड़ दिया है। देखिए अभी मैं अब वापस मार के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना है। देखिए ये पट्टी के ऊपर से आगे आपको इसे बढ़ जाना है। देखिए जैसे मैं अभी मार रहा हूँ वीडियो में दिखा, देखिए वो जहाँ पे वापस ब्लैक आ गया तो वहाँ से मोड़ दिया है। देखिए पट्टी निकाली, उसके ऊपर से मार के आपको आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे मैं मार रहा हूँ, बिल्कुल जैसे मैं इस तरह से मार रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह से मारना, तो ही आपका 3D लुक आएगा। और ये 3D लुक ऐसी शानदार आएगी कि जो पार्टी के उधर आप बनाओगे ना, वो देखते ही रह जाएगा। देखिए फिर आपको भी इसको भी मास्किंग टेप रिमूव कर देना है, बस निकाल देना है। जैसे मैं अभी निकाल रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसी प्रकार आपको निकाल देना है। जैसे ही निकालते हुए जाओगे, 3D लुक आपके सामने बनते हुए नज़र आएगा। देखो दोस्तों कितना शानदार और मनमोहक ये 3D टेक्सचर बनके आपके सामने नज़र आ रहा है। इसे कहते हैं HD 3D टेक्सचर। ये ऊपर वाली पट्टी है ना, ये ऊपर ऊपर वाली पट्टी थी, वो नीचे चली गई, नीचे वाली ऊपर में आ गई। ये ऊपर चल गया, ये नीचे, ये ऊपर, इस प्रकार की टेक्सचर बन गई है। इसे कहते हैं HD 3D टेक्सचर। ये सब लोखंड की पट्टी है, वैसा लग रहा है एक के ऊपर ऐसे रखा हुआ है फ्रेम, उसमें भी ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक के ऊपर एक रख दी, एक के ऊपर एक पट्टी रख दी, ऐसा लग रहा है। ऐसी HD 3D टेक्सचर। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन जरूर ऑल करना, ताकि हम जब भी ऐसी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच जाए, जब भी नई वीडियो हम लोग बनाए सीधे आपके पास पहुंच जाए। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन ऑल करना पड़ेगा। बेल आइकन ऑल करते ही आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 99% तो वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाता ही रहूँगा, हार नहीं मानूँगा। अगर सारे लोग मुझे, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उतने लोग अगर सब्सक्राइब कर देना, तो मेरे आज ही 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अपना पैसा खर्चा करूँगा, समय बर्बाद करूँगा फिर, लेकिन आपके लिए ऐसी टेक्सचर बनाते हुए रहूँगा दोस्तों, आपके लिए एक से एक बढ़कर टेक्सचर लाता रहूँगा दोस्तों। क्या आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसी टेक्सचर आपने पहले कभी देखी थी क्या। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो हमारा हौसला बुलंद होगा और ऐसी वीडियो बनाने का डील करेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। देखिए दोस्तों कितनी शानदार लग रही है ऐसी टेक्सचर, देखिए ये अनोखी टेक्सचर आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी ही वीडियो में आगे मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों, अपने माँ बाप का ख्याल रखना।